क्लास नाइन्थ लेक्चर नंबर 8 हमारा चल रहा है, जिसमें के नज़्म नंबर 4 पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, उसकी हम तशरीहात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 में आपने फर्स्ट जो उसका था फ्राइडे को तशरी नंबर 1 आपने की, मंडे को लेक्चर 8 में तशरी नंबर 2 की, और ट्यूसडे को लेक्चर नंबर 8 में तशरी नंबर 3, और अब लेक्चर नंबर 8 वेनसडे का जो है इसमें आपकी तशरी नंबर 4 है। शेर नंबर 4 इसका क्या है, जो नगमा जन थे खलवते और आग में तुयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। मफहूम है इस शेर का, पहले हम तशरी से पहले जो हम क्या लिखते हैं, नज़्म का उन्वान पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, शायर का नाम अल्लामा इकबाल। उसके बाद मफहूम इसका है, वो परिंदे जो तन्हाई में बैठकर पत्तों में छुपकर गीत गाया करते थे, अब वो गीत गाने वाले परिंदे तेरे सायादार दरख्त को अलविदा कह चुके हैं। ये शेर इकबाल की मशहूर नज़्म पैवस्ता रह शजर से लिया गया है। अब इसकी तशरीह स्टार्ट हो गई है, जो उनकी मशहूर ज़माना किताब बांगे दरा की बेहतरीन नज़मों में से एक नज़्म है। अल्लामा इकबाल उर्दू और फारसी अदब के नहायत पुरअसर और पुरसोज शायर हैं, जिनके बारे में क्या खूब कहा जाता है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल इस शेर में मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ मुसलमानों, तेरे चमन में गीत गाने वाले परिंदे उड़ चुके हैं, वो रौनक जो कभी इस गुलशन का मुकद्दर थी वो ख़त्म हो गई है, सुरीली आवाज़ वाले परिंदों ने बाग का रुख करना छोड़ दिया है, क्योंकि बाग की रौनक और रानाई खूबसूरती ख़त्म होकर ख़जां का मौसम आन पहुंचा है। तेरे दरख्त जो कभी घनी छांव रखते थे, अब ना वो दरख्त रहे हैं और ना इन दरख्तों की ओट में यानी पीछे छुपकर आड़ में नगमा सराई करने वाले यानी गीत गाने वाले परिंदे रहे हैं, यानी वो परिंदे भी जो छुपकर जो है वो दरख्तों के पीछे गाया करते थे, ना वो परिंदे रहे हैं और ना ही वो बाग की खूबसूरती और रानाई रही है जो कि कभी पहले होती थी। बकौल शायर, अहदे गुल ख़त्म हुआ, टूट गया साजे चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परवाज़े चमन। इकबाल कहते हैं कि मुसलमान इस वक्त तबाही और जवाल से दो चार हैं, वो महकूमी और ग़ुलामी की हालत में हैं, इनका वक़ार खाक में मिल चुका है, उम्मत मुसलमा के अजीम रहबर और खैरखा एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो रहबरान कौम जो मिलत इस्लामिया को मुत्तहिद होकर ताकत के हुसूल की तलकीन करते थे और कहा करते थे कि इज्तमाईयत ही तरक्की की असल बुनियाद है, इस दुनिया से जा चुके हैं। यहाँ अल्लामा इकबाल का इशारा अजीम मुस्लिम रहनुमाओं सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और जमालुद्दीन अफगानी जैसी अहम शख्सियात। बकौल शायर, यकीन महकम अमले पहम मोहब्बत फ़ातह आलम जहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। इकबाल मुसलमानों को ख्वाब गफलत से पैदार करते हुए कहते हैं कि ऐ मुसलमान, ये कैफियत इसलिए है कि तू जवाल और पस्ती का शिकार हो चुका है, तेरा ईमान असलाफ की तरह कौमी नहीं रहा और तेरे बाग पर ख़जां इस हद तक छा चुकी है कि इस बाग के परिंदे भी इसका साथ छोड़ चुके हैं। यही आपकी डायरी है, लेक्चर नंबर 8 का जो 4 तशरीह है, लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 4 है, यही आपकी इसकी डायरी है लर्निंग के लिए। शेर नंबर 4 की आपने तशरीह याद करनी है और इसी को लिख के देखना है।